हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को हरे रंग के आलू के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने मार्केट में कभी हरे रंग की आलू तो देखी होगी। आलू का जो हरा रंग जो होता है वो सोलेनिन नामक पिगमेंट के कारण होता है, जो कि आलू को जो रहता है उसको हरा रंग में बदल देता है। अब इसका कारण क्या हो सकता है, मैं आपको कारण भी बता देता हूँ। तो इसका कारण है कि जब किसान जो रहता है फील्ड में, जब खेत में आलू की जो बुआई करता है, तो बुआई के 30 से 35 दिन बाद क्या होता है कि जब उसमें एक प्रोसेस होती है आलू की खेती में, उसमें मिट्टी चढ़ाने वाला काम होता है, अर्थिंग प्रोसेस बोला जाता है उसको। तो जब अर्थिंग की जब प्रोसेस होती है, तो जब मिट्टी जब चढ़ाते हैं आलू में, तो आलू का कंद जो रहता है वो मिट्टी चढ़ने से जब बच जाता है, तब फिर उसमें सूर्य की जब रोशनी उसमें जब तेज पड़ती है, तो फिर वो आलू का जो कंद रहता है वो हरे रंग में बदल जाता है, और यह हरा रंग जो रहता है वो सोलेनिन कहलाता है, जिसकी वजह से जो आलू जो रहता है वो हरे रंग में बदल जाता है। और यह जो आलू जो रहता है हरा वाला आलू, वो मनुष्य के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ऐसे आलू को सब्जियों में बनाकर नहीं खाना चाहिए। और ऐसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड फैक्ट जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल एग्रीकल्चर फैक्ट को आप सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके आप अपने दोस्त को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जितना भी इससे रिलेटेड वीडियो आए वो आपको मिल